अभी 46 अपडेट के बाद आप लोग फ्री फायर में हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो। इसके अलावा मैप के किसी भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन तक जाने के लिए आप लोगों को बाइक, कार, ट्रक इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब से आप लोग टोर्नाडो की मदद से मैप में कहीं भी घूम सकते हो। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। ये सभी न्यू फीचर्स आप लोगों को गेम के अंदर OB46 अपडेट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके ऊपर तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ही। हमारे गेम में नेक्स्ट इवेंट कौन सा आएगा, ये गदा वाला इमोट आप लोगों को किस इवेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, इन सभी सवालों का जवाब भी आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर से मिलने वाले हैं। तो समझ सकते हो यार आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। चलिए फिर बिना किसी देरी के बिना किसी देर बात किए शुरू करते अपने आज का वीडियो एंड शुरू करते अपने आज का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे दोस्त, ये कैसे हैं आप सब, नमस्ते, वेलकम टू समस्ते। तो दोस्तों बहुत टाइम से एक क्वेश्चन मेरे को कमेंट सेक्शन में कॉमन देखने के लिए मिलता था और वो ये था कि हमारे नेक्स्ट इवेंट कौन सा आएगा, उसके अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट इवेंट का बैनर है जिसके अंदर सबसे पहले अगर आप लोग सिर्फ 100 डायमंड का टॉपअप करते हो तो फिर आप लोग को यहाँ पे एक M249 का बढ़िया सा स्किन देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि कोई लेजेंडरी स्किन तो है नहीं, 100 डायमंड टॉपअप करने पर गिरने वाले इतना ही देते हैं यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलिए ये हम लोग मान लेते हैं 100 डायमंड टॉपअप करने पर गिरने वाले ठीक ठाक रिवार्ड दे रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये दोस्तों आप लोग का एक बंडल हो जाता है जिसका नाम है ट्राइडेंट सूट बंडल। ठीक है, इसको अगर आप लोग पूरा लेना चाहो तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोग 1500 डायमंड टॉपअप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टॉप तो आप लोग को 1000 डायमंड पे मिल ही जाता है, लेकिन लास्ट में ये जो मास्क आता है ना, इसको लेने के लिए आप लोग को 1500 डायमंड टॉपअप करना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, और ऐसा भी तो नहीं है कि गिरने वाले इस फॉर्मेट को पहली बार के लिए यूज कर रहे हो। नहीं, गेम के अंदर लास्ट जो 4-5 टॉपअप आप लोग को देखने के लिए मिले ना, सबके सब सेमी फॉर्मेट के ऊपर आए, कि लास्ट में जो आप लोगों को 2000 डायमंड टॉपअप करने पर कुछ इस टाइप का अवतार और बैनर देखने के लिए मिलता है ना, वो भी सेम है। तो करने वाले आजकल हर एक टॉप इवेंट को एक एक महीना तक खींच, ऊपर से आप लोग इस टॉप इवेंट के अंदर जितना ज्यादा ऊपर उठते जाओगे, जितना ज्यादा ज्यादा डायमंड्स का आप लोग टॉपअप करते जाओगे, पता है आप लोगों को क्या मिलेगा, कद्दू मेरा। बाकी चले दोस्तों, इन आलतू फालतू टॉप इवेंट्स के ऊपर हम लोग ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, अभी हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लैम्बोर्गिनी रिंग इवेंट के बारे में। आज सुबह ही हम लोग अपने गेम के अंदर देखने के लिए मिल चुका है। वैसे मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि अपने को अपने गेम के अंदर थोड़े दिन के बाद देखने के लिए मिलेगा, 17-18 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नहीं, बाद में मुझे पता चल गया कि ये बहुत जल्द आने वाले, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया। यही होने वाले अपना आज का टुनेट अपडेट। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, और इसी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने आप लोगों के लिए OB46 अपडेट के अंदर आने वाले सभी इमोट्स को ढूंढ के निकाला है। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिए, ये आप लोगों का OB46 अपडेट के अंदर आने वाला सबसे पहला इमोट की मूवमेंट वाला होने वाला है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप लोग इसको ना रोक लेते, ठीक है, भागने के टाइम पे आप लोग इसको यूज कर सकते बेसिकली। इस इमोट के अंदर अपना जो कैरेक्टर है वो एक उड़न खटोला के ऊपर बैठा हुआ है जिसके चारों ओर एक ड्रैगन भी घूम रहा है। एलियंस होते हैं ना, उनके UFO पे बैठ के धरती पे आते हैं, वैसा ही लग रहा है। नेक्स्ट इमोट को भी देख लिया जाए दोस्तों, तो सबसे पहली बात, ये एक डुओ वाला इमोट होने वाला है, मतलब दो बंदे होंगे तभी आप लोग इस वाले इमोट की यूज कर पाओगे। सबसे पहले इसके अंदर अपने जो दो कैरेक्टर से वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, आपका जो डुओ मेट होता है, आपका जो टीममेट होता है, वो बैठ के आपका जूता पॉलिश कर रहा है, भाई जूता साफ कर रहा है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। हो सकता है किसी स्पोर्ट्स वगैरह का हो, फुटबॉल वगैरह का हो सकता है, आप लोग बता देना दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो। बात करते हैं अपना नेक्स्ट इमोट के बारे में, तो नेक्स्ट इमोट एक पेट वाला इमोट है। फाइनली रॉकी पेट का इमोट आ गया दोस्तों। हाँ, पास्ट में आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग पेट्स के भी बहुत सारे इमोट देखे होंगे, इस बार रॉकी पेट का सीधा सीधा इमोट आ चुका है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला इमोट भी काफी ज्यादा कूल, काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। इस इमोट के अंदर हमारा कैरेक्टर जो है वो गाना गा रहा है और रॉकी पेट अपना डांस कर रहा है। सारा सारा लाल है, पूरा ठेला लाल है, पूरा ठेला लाल है। नेक्स्ट नेक्स्ट इमोट हम लोगों को कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल जाता है जिसमें अपना कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने शर्ट के पीछे का हिस्सा कुछ दिखा रहा है, ठीक है, मतलब शर्ट के पीछे जैसे कुछ लिखा हुआ है वो दिखा रहा है। इन केस आप लोग कुछ ऐसे ड्रेस पहने हो जिसके पीछे कुछ साइन है, कुछ लोगो वगैरह डिजाइन किया गया है, आप लोग इसी इमोट के जरिए किसी को भी दिखा सकते हो। ऊपर से इसके ऊपर लाइट भी गिर रहा है तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इमोट को भी देख लिया जाए दोस्तों, इस इमोट के अंदर अपना जो कैरेक्टर है क्या ही घुमा रहा है यार, झंडा घुमाते गया और लास्ट में झंडा को गाड़ भी दिया। बेसिकली ये अपना FFWS सीरीज का एक इमोट होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो झंडे के ऊपर फ्री वर्ल्ड सीरीज का लोगो वगैरह भी लगा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के टाइम पे ये वाला झंडा वाला इमोट आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में देखने के लिए मिल जाए। वैसे थोड़ा बहुत ये गेम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट पैन घुमाने वाला इमोट जैसा दिख रहा है, पूरा इमोट तो वैसा नहीं दिख रहा है, पर जिस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है ना दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोगों को मूवमेंट बिल्कुल ही सिमिलर दिखता है, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों, एक और इमोट हो गया जिसके अंदर अपना जो कैरेक्टर है M1887 को अपने हाथों से घुमा रहा है। बचपन में या फिर अभी भी अगर आप लोग स्कूल जाते होंगे, आप लोग को पता होगा बहुत सारे बच्चे नोट्स को या फिर बुक्स को ऐसे हाथ में घुमाते रहते हैं, ठीक है, कोई कोई तो पेन को भी घुमा लेता है, वो बात अलग है कि मैंने आज तक कभी नहीं घुमा पाया।
बस रुलाएगा क्या? अरे नाना मैं आपको रुला सकता हूँ क्या? तो आपको हंसाने आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का नेक्स्ट इमोट, जिसके अंदर अपना कैरेक्टर गधा के ऊपर पैर रख के कैसे हंस रहा है। ये देखिए गधा को निकाला, इसको जमीन पे गाड़ा और ये देखिए हंसी। वैसे दोस्तों आप लोग को मेरा ये रावण जैसा हंसी कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना, और साथ साथ ये जो इमोट है ये आप लोग को कैसा लगा ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों पर ऐसा ही लगता है कि ये जो इमोट है ये आप लोग को किसी ना किसी बुए पास के अंदर से दिखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों ओबी 46 अपडेट के अंदर आने वाले सभी के सभी इमोट्स मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट दिखाई दिया, बस एक दो इमोट्स और बचे उन्हें भी देख लेते हैं। ओ, ये देखिए दोस्तों ये अपने ओबी 46 अपडेट के अंदर आने वाला नेक्स्ट इमोट, जो कि मुझे कुछ खास लगा नहीं यार, नॉर्मल सा इमोट है, और ये इमोट भी कहीं ना कहीं से तो कॉपीड लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक एनिमेशन आया था ना अलादीन का मैजिक लैंप वाला एनिमेशन, ठीक है उसके जैसा लग रहा है, उसके जैसा थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट को अगर आप लोग नोटिस करोगे ना आप लोग को पता चलेगा हाँ दोनों सेम ही है। ठीक है, बात के लिए अपने नेक्स्ट इमोट के बारे में, तो अरे भाई ये तो वही है फर्स्ट वाला, इसका मतलब कुछ समझे दया क्या? इसका मतलब सभी इमोट्स का रिव्यू यहीं पे खत्म हो गया। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना? हाँ चलो अभी तो आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए फिर अभी इसी के साथ हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग बात करने वाले हमारा आज का इस वीडियो का मेन टॉपिक के बारे में, ओबी 46 अपडेट के बारे में। तो क्या ओबी 46 अपडेट के अंदर हमारे गेम के अंदर हेलीकॉप्टर आने वाला है? क्या हम लोग टोर्नाडो के जरिए तूफान के जरिए इधर से उधर जा सकते हैं? सब बताएंगे दोस्तों आप लोग को वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे यार, जल्दी से जल्दी फटाफट से इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के साथ रोज जानकारी पाना चाहते हो वो भी एक मजेदार तरीके से। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ तुरंत ही वीडियो के अंदर आगे बढ़ लिया जाए और बात कर लिया जाए ओबी 46 अपडेट के बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि ये देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने गेम के अंदर आने वाला है टोर्नाडो, यूज करते हुए आप लोग गेम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को की जरूरत पड़ेगी जो की आप लोगों को किसी इवेंट के अंदर से मिलेगा, और उस की मदद आप लोग एक टोर्नाडो समन कर सकते हो। ठीक है, गेम के अंदर ऐसे बहुत सारे टोर्नाडोस बहुत सारे लोग यहाँ पे समन कर सकते हैं, जिसकी मदद से मैप में आप लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के अंदर इजीली जा सकते हो। ठीक है, बाकी एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो टोर्नाडो का कॉन्सेप्ट है ये गरेना वालों ने पूरा का पूरा बीजीएमआई से कॉपी किया है। अपना अगला अपडेट के बारे में, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपने गेम के अंदर हेलीकॉप्टर आने वाला है, मेरे ख्याल से ओबी 42 या फिर ओबी 44 अपडेट के अंदर भी हमारे गेम के अंदर एक बार हेलीकॉप्टर आया था, पर उस टाइम पे ना आप लोग हेलीकॉप्टर को चला नहीं सकते थे, बस देख सकते थे, उसके सामने जाके फोटो खिंचवा सकते थे, पर अब जो हेलीकॉप्टर आएगा आप भी चला पाओगे, आपके जितने भी टीममेट्स हैं वो लोग भी चला पाएंगे, और साथ साथ आपके जो एनिमीज हैं वो लोग भी चला पाएंगे। हम लोग किसी क्रैपलैंड या फिर किसी नए मोड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये सीधा अपना बरमूडा के अंदर आने वाला है। अरे देवा, बाकी अगर सही में देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट भी गरेना वालों ने कहीं ना कहीं बीजीएमआई से ही उठाया, बीजीएमआई से ही चोरी किया है, क्योंकि बीजीएमआई ने अपने गेम के अंदर बहुत पहले हेलीकॉप्टर वगैरह डाल दिया था, गरेना वाले तो अब डाल रहे हैं। क्यों गरेना वाले हमेशा अदर गेम्स की कॉपी करते रहते हैं? एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना, बोल, आप एक नंबर कमीना हो। तो हूँ मैं हूँ। फिर दोस्तों कोई बात नहीं, अभी हम लोग चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गरेना वाले नेक्स्ट एनिमे के साथ कोलैब करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाले ब्लू लॉक। इस एनिमे के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को वीडियो के अंदर एक इमोट दिखाया था, फुटबॉल वाला इमोट आप लोग को याद ही होगा, तो वो जो इमोट था बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसे ब्लू लॉक का इमोट। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना क्या आप लोगों को इस ब्लू लॉक एनिमे के बारे में पता है, आप लोग इसे देखते हो या फिर नहीं देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो फिर आप लोग किस एनिमे को देखते हो, नारुतो गोजो किसको देखते हो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना। ठीक है, ओके। बाकी ओवी 46 अपडेट के अंदर आने वाला हमारे गेम का न्यू गन, जिसका नाम है M590। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, इसे यूज करके आप लोग एक टाइम में सिर्फ एक ही गोले चला सकते हो, ये भी मैंने बता दिया था। हाँ, इस वाले कैरेक्टर को हम लोगों ने स्नोएल समझने की गलती कर दिया था, जबकि इस न्यू कैरेक्टर का नाम होने वाला लीला या फिर लेला। बात कर ले इसकी एबिलिटी के बारे में, सुनना, दो दो एबिलिटी होने वाले। सबसे पहला एबिलिटी ये कहता है आप लोग ग्लूअल मारते हो ना, ग्लूअल को और ज्यादा मजबूत करता जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना 1 durability per second, बेसिकली एक तरीके से नायरी जैसा ही काम करेगा। इसके अलावा जितने भी टीम 2 meter के रेडियस में है उनको ये 3 HP per second के हिसाब से भी करता जाएगा। ठीक है, पर हाँ अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं ज्यादा ग्लूअल्स मार लूंगा, एक साथ 6-7 ग्लूअल फेंक दूंगा और मेरे टीममेट्स को बहुत ज्यादा HP मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। जो हीलिंग वाला फीचर है वो आप लोग का एक ग्लूअल के लिए काम करेगा, जो एक और फीचर इसके अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलता है नायरी जैसा, जैसे ये आप लोग ग्लूअल का ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता जाएगा तो वो ना कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 6 मार लो 7 मार लो जितने भी ग्लूअल्स लगा लो, नायरी वाले ग्लूअल जैसे स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों विद दैट शीट उम्मीद करते हुए वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।